अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील जमियत उलमाए हिंद या संघटनेकडून मुकमोर्चा काढण्यात येऊन जामनेर तहसील कार्यालयाचे तहसीलदार अरुण शेवाळे यांना शासनाने नुकताच पास केलेला नागरिकत्व संशोधन विधायक कायदा रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले। हा कायदा मुस्लिम समाजाला इतर समाजापासून दूर करणारा कायदा असून त्यामुळे भविष्यात जातीय तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने हा कायदा शासनाने त्वरित रद्द करावा यासाठी हजारोंच्या संख्येने मुस्लिम समाज बांधव एकत्रित येत त्यांनी भव्य मुकमोर्चा काढला। तर या विधेयकाला विरोध असणारे इतरही नागरिक या मुकमोर्चात सहभागी झाले होते। जिक्रा इंग्लिश मीडियम स्कूल पासून अतिशय शांततेच्या मार्गाने या मोर्चाची सुरुवात झाली होती। तर हा मोर्चा तहसील कार्यालय येथे पोहोचल्यावर मौलाना इम्रान मजाहरी यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले व तहसीलदारांना नागरिकत्व संशोधन विधेयक कायदा रद्द करण्याचे निवेदन देत हे निवेदन राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचवण्याची मागणी केली। परेशान है इसलिए कि सी ए बी ये ऐसा बिल है
जो हमारे मुल्क के लिए और मुल्क में बसने वालों के लिए नुकसानदेह है, खतरे की चीज़ है। इसलिए हम तमाम ही लोग अहलियान जामनेर जमीयत उलमा हिंद के तमाम ही जिम्मेदारान मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, ये राय हम पेश कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत अपने इस बिल को वापस ले लें और आइंदा ऐसा कोई बिल या ऐसा कोई कानून नाफिज़ न करे जो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। इसलिए कि हमारा ये मुल्क जो है ये जमहूरी मुल्क है, सेकुल अर्ज़म मुल्क है, यहाँ मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और मुल्क के आज़ाद होने के बाद तमाम लोगों ने मिलकर जो इस मुल्क का कानून बनाया, आइन बनाया, उसूल बनाया, उसमें ये बात लिखी हुई है कि यहाँ सेकुलरिज्म हुकूमत रहेगी, किसी मज़हब या किसी धर्म के बुनियाद पर हुकूमत नहीं बनाई जाएगी, बल्कि जमहूरी मुल्क रहेगा, जमहूरी हुकूमत रहेगी। और इस मुल्क में जो भी मज़हब वाले लोग हैं वो अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं, हुकूमत उनके मज़हबी रसूमात और मज़हबी इबादत पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। और ये जो बिल पास हुए हैं CAB या NRC बिल, इससे जो है सेकुलरिज्म को ख़तरा है, हमारे मुल्क की जमहूरियत को ख़तरा है। और इसी तरीके से जो है इस बिल की वजह से यानी हम जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इससे जो है आपस में जो है मुनाफरत, नफरत और दुश्मनी पैदा होगी। और इसी तरीके से जो है ये बिल जो है हमारे मुल्क की तरक्की में जो है रुकावट बनेगा। इसलिए ये आज आप लोग देख रहे हैं कि हज़ारों का मजमा हमारे साथ है, जिसमें जो है मुस्लिम समाज भी है, हिंदू समाज भी है, हर बिरादरी के लोग हैं। ये इसीलिए जो है शरीक में, इसलिए कि सब लोग जानते हैं कि ये जो CAB या NRC बिल है ये हरगिज़ हरगिज़ हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं है, बल्कि ये जो है नुकसानदेह है, मुल्कों की तरक्की भी इसमें रुक जाएगी और इसी तरीके से आपस में जो है मुनाफरत, नफरत जो है तो पैदा होगी। इसलिए हम सब मिलकर जो है इस किस्म के तमाम बिल की जो है मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करते हैं कि वो अपने अवाम के मुतालबे को मद्देनज़र रखते हुए ये जो बिल पास हुआ है इसको वापस ले ले। इसलिए कि इसी में जो है उनकी जीत है, यहाँ जो हुकूमत बनती है ये अवाम चुन कर जो है आप लोगों को देती हैं, वह इसलिए कि आप पर एतमाद किए हों कि आप हमारे लिए मुल्क के लिए अच्छा जो है निज़ाम चलाएंगे। लेकिन जब आप अहदे पर पहुंचने के बाद इस किस्म का कोई बिल या कोई कानून नाफिज करते हैं जो मुल्क के लिए या मुल्क की अवाम के लिए ख़तरे की चीज़ है, तो अवाम जो है तो बेचैन हो जाती है। इसलिए आप हुकूमत हिंद के जितने भी जिम्मेदार हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वो इस बिल को जो है वापस लें और आइंदा ऐसा कोई कानून जो है तो नाफिज ना करें जो मुल्क के लिए खतरे की चीज़ हो या अवाम उससे बेचैन हो। थैंक यू। भारत में भारत सरकार ने हाल ही में पारित किया हुआ नागरिकता संशोधन बिल, इसके खिलाफ़ पूरे भारत में जो है बेचैनी महसूस की जा रही है। मैं भी खासतौर पर ये बात बोलना चाहता हूँ कि अब तक भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिसमें सबसे पहली चीज़ अगर कोई भारत के अंदर पैदा हुआ है तो वो भारत का नागरिक है, या फिर उसकी लेगेसी यानी उसके माँ बाप या उसके दादा दादी नाना नानी उनमें से कोई भारत में पैदा हुआ हो तो वो भी भारत का नागरिक हो सकता था, या फिर अगर कोई कुछ 6 साल या 11 साल के लिए अगर कोई भारत में रहता था तो रह चुका है लेकिन उसके पास नागरिकता नहीं है तो वो भी वो भारत की नागरिकता लेने के लिए एलिजिबल है, उसके लिए पात्र है, ऐसे हमारे कानून थे इसके पहले के। लेकिन पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि भारत में सरकार ने सरकारी तौर पर CAB यानी सिटीज़न अमेंडमेंट बिल नागरिकत्व कायदे को जो है तो धार्मिक रंग देने की कोशिश की। इसमें इन्होंने पहली बार किसी धर्म की प्राधान्यता के ऊपर जो है तो उसको नागरिकता देने की बात कही है। इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर
भारत में, क्योंकि विविधता और में एकता है, यहाँ पर सारी अलग अलग संस्कृतियाँ ही जो है तो एक संस्कृति भारत की तैयार करती है, और ऐसी संस्कृति को ये ख़त्म करने की कोशिश है। इसके खिलाफ भारत में जो है तो सारे ही बुद्धिजीवी और सारे आम नागरिक इसके खिलाफ है। यही चीज़ कि भारत के अंदर सिर्फ नंबर के आधार पर, महाराष्ट्र नंबर के आधार पर गवर्नमेंट संविधान के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकती, यही बताने के लिए भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में भी है, साउथ ईस्ट में भी है, महाराष्ट्र सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया सब जगह पर जो है इसके खिलाफ बेचैनी पाई जा रही है, लोग उसके खिलाफ हैं। यही बात हम भी कहना चाहते हैं कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट इसका जो है तो नोटिस लेकर के ऐसे धर्म के नाम पर दिए गए प्राधान्य को ख़त्म करे। बाकी जिन लोगों को इस रूल से जो है तो इस कानून से नागरिकता मिल रही है, मेरी उनके साथ शुभेच्छाएं हैं, क्योंकि वैसे भी जिन जिन लोगों ने नागरिकता के लिए अप्लाई किया है वो पिछले 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल से जो है तो परेशान है, उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारी व्यवस्था के अंदर बैठे हुए अधिकारी और उसको चलाने वाले लोग क्या इसको पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जानबूझ करके पात्र नागरिकों को भी जो है तो नागरिकता देने से इनकार किया। तो इसके लिए मेरी सब लोगों से, पूरे देश के नागरिकों से भी शांति बनाए रखने की जो है तो अपील है। और इसके अलावा भारत के सरकार को मैं इस बात की अपील करता हूँ कि ऐसे किसी भी बिल को जिससे भारत की जनता के अंदर धार्मिक या उनके वैचारिक विविधता के ऊपर जो है तो उनके बीच में दरारें पड़ती हों, वो उसके खिलाफ कोई भी कानून, कोई भी रूल ऐसे न बनाने से बाज आए। जय पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।